हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10 यूनिट फर्स्ट। ओके, तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो जो पहला जो सेशन है हमारा, वह है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेशन में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला वो चीज़ है, वह है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी जो टॉपिक रहेगी वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तीन टॉपिक के बारे में हम लोग इस पहले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेसिकली में कम्युनिकेशन होता क्या है। सो कम्युनिकेशन मीन्स बींग एबल टू टेल अदर पीपल व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है, जो भी चीज़ें आप दूसरे इंसान से कहना चाहते हो, क्या वो अच्छे से उस बात को समझ पा रहा है। ठीक है, अगर उस बात को अच्छे से वो समझ पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में आते हैं। सो बेसिकली पहला जो टाइप्स है कम्युनिकेशन का, वो है वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर है कम्युनिकेटिंग ओरली, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो साउंड का यूज करके या वॉइस का यूज करके हम लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल फॉर्म या वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, दूसरा जो टाइप है। दूसरा जो टाइप है बेसिकली, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग वॉइस यानी अपने आवाज़ को और साउंड को नहीं यूज करते हैं किसी भी बात को कहने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन दिया गया है, कम्युनिकेटिंग यूजिंग बॉडी लैंग्वेज गेस्चर टोन एंड पिच। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, हैंड मूवमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग किसी से बात करते हैं, ठीक है, आमने सामने, तो उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग जिस तरह से बात करते हैं किसी दूसरे से, लेकिन उसमें हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है, सिर्फ इशारों से या हम लोग बॉडी लैंग्वेज से उससे बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टाइप्स पर। जो तीसरा जो टाइप्स है वो रिटन फॉर्म। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिटन फॉर्म का मतलब क्या है। रिटन फॉर्म मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो लिखकर, ठीक है, हैंड रिटन हो सकता है या प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग दूसरे इंसान से कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे हैंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो पिक्चर्स के थ्रू, लोगोस के थ्रू, पोस्टर एंड मैप्स एंड चार्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, आप लोग फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कहीं पे वॉशरूम होता है, ठीक है, तो वॉशरूम होता है तो कहीं पे साइन बनाया रहता है कि वो गर्ल्स के लिए है, ठीक है, या ये बॉयज़ के लिए, तो वहाँ पर साइन दिया रहता है। ठीक है, ये एक तरह का एक इंसान बनाया रहता है ऐसे में, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा डिफाइन किया रहता है कि दिस टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड दिस टॉयलेट फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो हम साइन के थ्रू समझते हैं। अब दूसरे जो इसका एग्जांपल हो सकता है वो ट्रैफिक। ठीक है, जहाँ पर ट्रैफिक रहता है वहाँ पर देखते हैं येलो ग्रीन रेड जलता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आती है कौन से जो ट्रैफिक लाइट कौन सी जलेगी तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, विजुअल फॉर्म, मतलब किसी भी चीज़ को देख कर। ठीक है, जब हम समझ जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम लोग उसको बोलते हैं विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो चारों थी वह टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था। ठीक है, वर्बल फॉर्म में हम लोग बोल के बात करते हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में हम लोग बोलते नहीं हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं। रिटन फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग लिख कर बात करते हैं। ठीक है, या किसी का मैसेज होगा, कोई हैंड रिटन है, ठीक है, लेटर्स वगैरह हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये आ जाएगा रिटन फॉर्म में। अब विजुअल फॉर्म क्या है, जो हम लोग देख कर, जिस लोगोज के पिक्चर्स को, चार्ट्स को देख कर क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने कम्युनिकेशन टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यानी फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले किसका फायदे और नुकसान पढ़ते हैं, वर्बल, ठीक है, या ओरल कम्युनिकेशन का पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो फायदा है बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन का या वर्बल कम्युनिकेशन का, वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग। ये काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग डायरेक्टली अपने फीलिंग को किसी दूसरे इंसान से कह सकते हैं। ठीक है,
अब ये दूसरी जो है कम्युनिकेशन इज मोस्टली इंटरेक्टिव विच गिव्स द रिसीवर अ चांस टू क्लैरिफाई, ठीक है। यानी एक ऐसा, हम लोग जब भी दो लोग बात करते हैं आपस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई अगला इंसान हमारे बातों से एग्री नहीं है तो वो क्लैरिफाई कर सकता है कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो मैं क्या हूँ उस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है। अब जो तीसरी है इसमें फ़ायदा वो है इट्स स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इस तरह का कम्युनिकेशन क्या होता है, काफ़ी स्पीडी होता है, यानी काफ़ी तेज होता है। जैसे कि आप किसी दूसरे से इंसान से बात कर रहे हो तो मीन्स क्या है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे कुछ भी कहने में, आप कुछ कहना है उसको आप तुरंत उससे कह दोगे, ठीक है। अब जो चौथा इसमें है यू गेट इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। और इस वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप तुरंत फीडबैक आपको मिल जाता है, किससे मिल जाता है, अगले इंसान से, ठीक है। अगर वो आपके बातों से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो तुरंत वो बोल देगा, आपके मुंह पे ही बोल देगा कि मैं आपके बातों से एग्री नहीं हूँ। तो ये क्या है, हम लोग तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके कॉन्स के बारे में पढ़ें, कॉन्स के बारे में मतलब डिसएडवांटेज यानी नुकसान के बारे में, तो ये है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन डिफरेंट सेटअप, ठीक है। यानी ऐसा ये है कि ये सबके लिए क्या है, एक तरह से डिफरेंट है। जैसे कि अगर कोई इंडिया का इंसान है, ठीक है, इंडिया का इंसान है वो सिर्फ हिंदी जानता है, और यहाँ पे क्या है अमेरिका का इंसान है वो सिर्फ इंग्लिश जानता है, ठीक है, तो ये दोनों कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन डिफरेंट सेटअप, मतलब कि एक इंसान दूसरे जगह से और दूसरा इंसान दूसरे देश से है तो दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसका ये नुकसान है। दूसरे जो नुकसान ये है इट्स रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी, यानी द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी द सेम प्लेस फॉर द टाइम टू कम्युनिकेट, यानी कि सेंडर को, यानी जो कम्युनिकेट कर रहा है और जो कम्युनिकेशन को सुन रहा है, ठीक है, यानी जो बात कर रहा है और जो बात को सुन रहा है, उन दोनों इंसान को आमने सामने रहना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। अगर वो आमने सामने नहीं रहते हैं तो वो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो है इट ऑफ्टन फील्स इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड, ठीक है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्या है, अगर मैं किसी दूसरे इंसान से बात करूं, ठीक है, जो मैं मुझे जो भी कुछ कहना होगा मैं उसे कह दूंगा, वो क्या करेगा, वो भी कुछ कह देगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस तुरंत बाद क्या होता है, वो मतलब डिसअपियर हो जाता है, मीन्स हमारी जो बात हो क्या हो जाती है, कहीं पर सेव नहीं रह पाती है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब होता है कि इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग ऑफिशियली, यानी हम ऑफिशियली भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन में नहीं रख सकते हैं। पांचवा इट्स नॉट कम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, कम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बोला जाता है। देर आर इमोशनल बैरियर्स, यहाँ पर कुछ इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक डेमोन्स्ट्रेशन वेरी यूजफुल नोटिसेबल नॉन वर्बल क्लूज लाइक गेस्चर बॉडीज, ठीक है, ब्लड रेट इजली कन्वे एंगर एंड एक्सप्लेनिंग थ्रू वर्ड्स। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये क्या है, किसी भी बात को समझाने के लिए, ठीक है, यानी कोई छोटा सा मैटर है उसको समझाने के लिए ये काफ़ी इजी होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग मैसेज, ये दूसरे को मैसेज समझाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नो लैंग्वेज बैरियर, इसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज या वॉइस या साउंड नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ इशारों में बात की जाते हैं। तो क्या होता है, इशारों में बात की जाती है तो ढेर सारे लोग समझ भी जाते हैं, ठीक है, भले ही उनको लैंग्वेज ना आए या उसकी भाषा ना समझ में आए। वेरी फास्ट, ये काफ़ी वेरी फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, इस तरह का कम्युनिकेशन। अब इसके जो क्या क्या नुकसान है, नॉट सूटेबल फॉर लेंदी मैसेज, यानी ये सूटेबल नहीं है ज़्यादा बड़ा मैसेज के लिए। एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यह क्या है, ये कम्प्लीट नहीं माना गया है कम्युनिकेशन में। चौथी जो है चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी इसमें चांस रहता है कि कुछ अगला कुछ दूसरा भी समझ सकता है, ठीक है। रीजनल कल्चर डिफरेंसेस, मतलब कि एक जगह कोई दूसरा इंसान है और दूसरी कल्चर जानता है और उसके सामने वाला इंसान है जो दूसरी कल्चर जानता है, तो उसमें क्या होगा, अगर हम किसी को समझाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, गलत समझ सकता है। अब यहाँ पता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान, ठीक है। तो पहला है फायदा, इट रेनफोर्सेस द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह से अदर फॉर्म को क्या करता है, रेनफोर्स करता है, ठीक है। विजुअल एड्स व्हेन यूज्ड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, इट्स मेक
द मैसेज मोर क्लियर द मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। नेक्स्ट इट इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, ठीक है। यानी विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ऐसा मतलब इस तरह से आपको समझा सकता है जो कि हम लोग वर्ड्स में भी उसको नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह के यानी विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इस तरह में कोई पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और पिक्चर्स वगैरह का थ्रू लोग आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है इट्स क्लियर द बैरियर और क्वालिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन भी नीड नहीं है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज के बैरियर को खत्म करता है, ठीक है। ये काफ़ी आसान होता है दूसरे के लिए समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी ये क्या है आप देख सकते हैं इमेज में क्या है, स्माइली है, ठीक है। हम लोग इंडिया में जानते हैं कि इसको स्माइली कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में भी इसको कहेंगे स्माइली, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, तो इजीली यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशंस की और लैंग्वेज जाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके नुकसान क्या है, कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। क्योंकि पिक्चर्स लोगो तैयार करना है, ठीक है, कहीं पे पेस्ट करना है तो क्या होगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग, यानी एक जगह चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग, हाँ इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। नॉट ए कम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी कम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं माना गया है। अब रिटेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आते हैं, इसके नुकसान फायदे, यह है परमानेंट स्टोरेज। अगर रिटेन कम्युनिकेशन है तो आप उसको परमानेंटली कहीं पर स्टोर करके रख सकते हो। स्टैंडर्ड लीगल होल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, द रिटेन कम्युनिकेशन हैज़ अ लीगल स्टैंडिंग देन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर लीगल पर्पज द डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिटेन फॉर्म एज पर लीगल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड लीगल होल्डिंग है तो इसे लीगल होता है, ठीक है। इट्स फैसिलिटेट्स रीयूज, हम रिटन कम्युनिकेशन को रीयूज यूज कर सकते हैं, मतलब पुनः बार बार हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मास सर्कुलेशन पॉसिबल, यानी रिटन कम्युनिकेशन कैन बी प्रोड्यूस इन अ बल्क और डुप्लीकेटेड मल्टीपल टाइम्स, यानी इसको ढेर सारे कॉपीज में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल फॉर लेंदी मैसेजेबल मैसेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी द रिटन कम्युनिकेशन क्या है, लेंदी मैसेज भी इसमें समझा सकते हैं, मतलब बड़े से बड़े क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब छठा जो बात आती है वो है इट्स कन्वे सिंसियरिटी, यानी इसको आराम से हम सिंसियरिटी से भी इसको कन्वे कर सकते हैं, अपने मैसेज को दूसरे को समझा सकते हैं। आइडेंटिकल, द रिटन कम्युनिकेशन हेल्प डुप्लीकेट और प्रोड्यूस इन अ बल्क मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। यानी आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हम कई कॉपीज भी बना सकते हैं इसके, ठीक है। अब इसके कॉन्स क्या है, मतलब क्या क्या नुकसान है, जैसे कि कॉस्टली बहुत होता है, ठीक है। यानी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कॉस्टली बहुत होता है, पहली बात है। दूसरी बात है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरी जो बात है अब बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन लैंग्वेज, इसमें बैरियर है, ठीक है। कोई इंसान लिखने के लिए नहीं जानता है तो वो रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन है लैंग्वेज है। कॉस्ट एंड स्टोरेज, अगर आप इसको स्टोर करके कहीं पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी महंगा पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक फिगर में समझाया गया, एक इमेज में समझाया गया। जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ फॉर्म है, पहला है वर्बल, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आप इसको देख सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, मीटिंग्स आती हैं, टेली कॉन्फ्रेंस आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस आता है, ठीक है। डिस्कशन आता है, टेलीफोनिक टॉक आता है, ये क्या है, वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, लेटर आता है, ईमेल आता है, फैक्स आता है, मैगजीन आती है, आर्टिकल्स, बुक्स, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें रिटन में आती है। नॉन वर्बल में क्या आती है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, ठीक है, हैंड मूवमेंट आता है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आता है, लोगोज आते हैं, साइन बोर्ड्स आते हैं, ठीक है, सिग्नल्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, इमेज, पिक्चर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। अब आगे बढ़ते हैं, ये दिया है इम्पैक्ट ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे है 93% कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट वर्ड्स, ठीक है। यानी जो 93% कम्युनिकेशन है वो बिना वर्ड कुछ कहे हुए कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 55% जो कंट्रीब्यूशन है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है नेम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोग ने पहले ही पढ़ा है, एक क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस चैप्टर को देखकर कि डिफरेंट कम्युनिकेशन का क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक है। विजुअल होता है, रिटन होता है, वर्बल होता है, और क्या होता है, एक और फॉर्म होता है, चार तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल होता है, ओके। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ, मतलब
चारों को लिखना है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो बढ़ते हैं सेशन टू की तरफ। तो सेशन टू की बात करें, वो है फीडबैक इन कम्युनिकेशन, ठीक है, फीडबैक इन कम्युनिकेशन, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। पहला है तो ये है असेंडर और मैसेंजर, ठीक है, फीडबैक का है। असेंडर और मैसेंजर कौन होता है? द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन। सेंडर और मैसेंजर कौन होता है? ऐसा इंसान होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं सेंडर, ठीक है। मैसेज इन्फॉर्मेशन बींग सेंट, यानी जब मैसेज इन्फॉर्मेशन बींग सेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड या बींग कन्वेड बोलते हैं, ठीक है। इनकोडिंग क्या होता है? फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज, ठीक है, किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं कि इनकोडिंग, जैसे कि वो स्पोकन में है या पिक्चर में है या टेक्स्ट में है, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल मतलब किसके थ्रू वो मैसेज को भेजा जा रहा है, जैसे कि ईयर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं ईयर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट से भेजा जा रहा है, ठीक है, या पेपर पर हैंड रिटन है, प्रिंटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं चैनल। डिकोडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग फ्रॉम द मैसेज, मतलब जो मैसेज आपको मिला है उससे क्या समझ में आया, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। फीडबैक का मतलब होता है इंटीमेशन अबाउट सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ मैसेज, मतलब फीडबैक का ये मतलब होता है कि आपकी जो मैसेज है वो पूरी तरह से डिलीवर हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका इमेज देख सकते हो, ठीक है, ये मैसेंजर है, ये रेसिपिएंट मतलब रिसीवर है, ठीक है, ये कोडिंग करेगा, ये डिकोडिंग करेगी। मैसेज क्या हो रहा है? सेंड हो रहा है, यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैसेज सेंड हो रहा है, जैसे कि बिहेवियर आउटपुट। अब ये कह रहा है व्हाट आई मीन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो ये कह रही है व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये चैनल है, ठीक है। कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है? स्पीकिंग के थ्रू हो रहा है, राइटिंग, ग्राफिक्स या वीडियो, ठीक है, ये चैनल है। इस तरह से आप इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक में क्या है? इंटेंशंस, यानी क्या इरादा है आपको फीडबैक देने में, ठीक है। स्पेसिफिक यानी क्या महत्व है। फेयर एंड नॉन जजमेंटल, यूजफुल फीडबैक डज नॉट पास जजमेंट, ठीक है। अगर अच्छा फीडबैक रहेगा तो कोई भी क्या करेगा, जजमेंट पास नहीं करेगा। टाइमलाइनेस का मतलब होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव होनी चाहिए और ऑन द टाइम होनी चाहिए। यूजफुलनेस, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमेशा यूजफुल होनी चाहिए। क्लैरिटी, जो हमारी कम्युनिकेशन या फीडबैक है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, जो दूसरे को समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक, यानी फीडबैक के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो टाइप्स है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। तो पहला जो टाइप्स है वो फॉर्मल है, ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब होता है फॉलो अ प्रीसेट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर यूजिंग विच रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक एंड सेंड इट। यानी फॉर्मल फीडबैक का मतलब होता है कि वो पहले से स्ट्रक्चर तैयार किए गए रहते हैं किसी भी रिसीवर के पास भेजने के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? अब देखो, फॉर्मल का मतलब होता है कि किसी भी बात को अच्छे से ढंग से कहना, ठीक है। यानी किसी आपके कॉलेज में कोई अनाउंस कर रहा है कि जैसे कोई पास हो गया है, ठीक है, अच्छा मार्क्स पा गया है, तो फॉर्मल फीडबैक में क्या कहेंगे? कहेंगे कंग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस, यू प्रमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लास, प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज, ठीक है। या दूसरा है कंटेंट है, ठीक है, यानी इसको पूरे डिटेल में बोलना है, अच्छे प्रोफेशनली बोलते हैं उसको हम बोलेंगे फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या करेंगे? ऑन द अदर हैंड्स इज स्पॉन्टेनियसली फ्रेम्ड and does not stick to a specific structure such as instant comments by the listener audience, ठीक है। यानी ऐसा फीडबैक जो क्या होता है, spontaneously क्या होता है, फ्रेम्ड होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल में किसी को आपको अच्छा कहना या कंग्रेचुलेशन बोलना है, उसको आप कहेंगे गुड जॉब, कंग्रेचुलेशन, या सॉरी डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मल में बोलना हो तो उसको अच्छे से डिफाइन करके बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन जो दी गई है। डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दूसरा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन या इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा कॉन्टेंट में बात करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में समझाना, जैसे कि आपको एग्जाम में भी आता है एक्सप्लेनिंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, मीन्स कि आपको पूरे अच्छे समझाना, पूरे ज़्यादा समझाना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। और नॉन डिस्क्रिप्टिव ऐसे बात या ऐसे चीज़ है जो उसको शॉर्ट में समझाना, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन डिस्क्रिप्टिव। अब नॉन डिस्क्रिप्टिव पहले देखते हैं, प्रोवाइड सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन
बट डज नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के बात करना या किसी भी चीज़ के बारे में लिखना लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, या उसके उसको डिटेल में ना बताना, उसको हम बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, यानी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना लेकिन वो डिटेल में होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसको डिटेल में समझाना पड़ता है, ठीक है, या लिखना पड़ता है। लेकिन नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई भी डिटेल है उसको, कोई भी क्या है फीडबैक है उसको डिटेल में नहीं बताना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या है, यहाँ पर सिर्फ दो लाइन में क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ, यहाँ पर मतलब 4 से 5 लाइन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, आई ओनली लाइक योर सेकेंड पैराग्राफ, अदर नीड इम्प्रूवमेंट इन योर आर्टिकल कंक्लूजन नीड रीवर्क, ठीक है। यानी नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है पूरा डिटेल में लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। सेमी बात लिखा है, ऑल पैराग्राफ शुड कवर बेसिकली वन आइडिया, ओनली वन पैराग्राफ वाज एज पर दिस स्पेसिफिकेशंस अदर पैराग्राफ कवर्ड मल्टीपल आइडियाज, ठीक है, इस तरह का लिखा है। यानी जो डिस्क्रिप्टिव है वो पूरा डिटेल में दिया है, और नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या है वो डिटेल में नहीं है। अब आते हैं बात तीसरा जो है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होते हैं, यानी स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब होता है टॉक अबाउट थिंग और पॉइंट पार्टिकुलर, यानी इस चीज़ के बारे में बात करना, किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है, लेकिन पॉइंटली टू दी पॉइंट बात करना, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फीडबैक। अब नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, यानी इसमें किसी भी चीज़ के बारे में बात करना लेकिन उसको पूरे डिटेल में समझाना, पूरे अच्छे से अननेसेसरी चीज़ भी उसमें ऐड कर देते हैं लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक मतलब जो कि क्या किया है, नॉन स्पेसिफिक, आई लाइक योर स्टोरी इज गुड, आई लाइक योर टॉपिक ऑफ सिबलिंग रिवलरी, ठीक है। लेकिन वो सेम ही बात स्पेसिफिक है किया है, टू पॉइंट बात करेगा, आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंडमा कैरेक्टर, इट्स मेक मी फील लाइक आई नो हिम टू, ठीक है, यानी पूरे अच्छे से लिखा, ठीक है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेशन 3 की बात करते हैं, जो सेशन 3 है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स एंड बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या मैसेज इन अ टाइम, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी मैसेज को सेंड करना, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम में, तो उसको हम बोल देंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। विथ क्लैरिटी, यानी आप जो मैसेज भेज रहे हो वो टाइम पर पहुंचना चाहिए और उसमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए, मींस जो अगला इंसान है उसको समझ में भी आ जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली 5 यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर बींग लिस्टेड बिलो। पहला है क्लैरिटी, आप जो भी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इफेक्टिव तरह से बात करना है किसी दूसरे इंसान से आपको, तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बातों में या आप जो लिख रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी है, ठीक है, दूसरी अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक या ध्यान से, ठीक है। द रिसीवर शुड बी फुली अटेंटिव इन ए कम्युनिकेशन इन प्रोसेस, फॉर दिस द मैनेजर शुड arouses the interest of the receiver so that the receiver pays proper attention, ठीक है। अटेंशन का मतलब है कि आपको देखना है, अगर आप किसी दूसरे इंसान से किस तरीके बातें कर रहे हो तो वो आपके बातों में क्या है इंटरेस्ट ले रहा है या अटेंशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अगर आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हो तो आपको मतलब कंसिस्टेंसली या कॉन्स्टेंटली आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूसली आपको बात करना पड़ेगा उसके लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किस तरह से बात कर रहे हो बीच में भूल जाते हो, फिर से 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद फिर से लगते हो बात करने, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, या बुरा भी लगेगा ये। फोर्थ एडेक्यूसी, ठीक है। अब क्या होता है, जो एडेक्यूसी का मतलब होता है जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में किसी इंसान को बता रहे हो तो उसका मतलब है कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, यानी जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो ऑल एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
टाइमलाइनेस। पांचवा है टाइमलाइनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए बेसिकली टाइमलाइनेस जो है, आपकी जो मैसेज है वो बेसिकली टाइम पर डिलीवर हो जाना चाहिए जो भी आपकी बातों को सुन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइमलाइनेस। सिक्स है यहाँ पर फीडबैक, ठीक है, यानी इसमें क्या है कि आप किसी दूसरे से इंसान से बात कर रहे हो तो क्या वो जो इंसान दूसरा है वो क्या आपके बातों से एग्री है। अगर एग्री है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मैसेज हो पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो चुकी है इकोनॉमिकली। यानी इकोनॉमी का मतलब है कि आप कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आपको उस बात को करने में या आपको उस बात कर रहे हो उस इंसान से, ठीक है, उस तरह का अरेंजमेंट करने में कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप क्या हो, दो तीन लोगों से बात करना है उसके लिए आप बड़ा सा मैरिज हॉल भी क्या कर सको बुक कर सकते हो, कर देते हो, तो क्या होगा, आपका पैसा नुकसान होगा। या किसी रेस्टोरेंट में आप बुलाते हो, आपके क्या हो जाएंगे, पैसे काफ़ी नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको खाना खिलाएंगे या चाय पानी पिलाएंगे तो क्या होगा, खर्चा ही होगा। तो मतलब इसमें हम लोग इकोनॉमी में हमें देखना है क्या हमारी नुकसान तो नहीं हो रही है, ज़्यादा पैसे खर्च तो नहीं हो रहे हैं इस बात को कहने में, तो उसको हम बोल दें इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब सात, ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। यानी जो भी प्रिंसिपल्स है वो सी लेटर से स्टार्ट होगा, सी लेटर, ठीक है। जैसे देखिए, कंट्रोल है, कन्वर्सेशंस है, कन्वर्सेशनल है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल स्टार्ट होगी वो सी लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या सात चीजों की ध्यान देनी चाहिए। पहला है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, यानी आपके ऊपर आपको खुद का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जैसे योर बॉडी लैंग्वेज, पेस, टोन, यानी कभी कभार क्या होता है आपका ऐसा नहीं, कंट्रोल आपके ऊपर इस तरह होना चाहिए कि कभी क्या कर रहे हो इस तरह बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि सारे जो आपकी बात है वो दूसरे ऑडियंस तक सही से जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी मेंटेन करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो भी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरे सैड हो या आपको चेहरा उतरा हुआ है, तो काफ़ी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, कंट्रोल रखनी पड़ेगी अपने ऊपर। अब दूसरी जो बात है कन्वर्सेशनल, सो कन्वर्सेशनल का मतलब होता है ट्राई टू कन्वर्स टू इन्वॉल्व द अदर persons, यानी आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो क्या वो जो अगले इंसान हैं, ठीक है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप में या अपने बातों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है। कॉन्फिडेंट, यानी जब भी आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप डरे डरे हो तो बिल्कुल भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो आप। कम्पिटेंट, कम्पिटेंट का मतलब होता है केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टी रिस्पॉन्स, यानी आपको क्या करना है, जो ऑडियंस है यानी जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या वो सही से आपकी बातों को सुन पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। काम, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो किसी के सामने तो उसमें क्या हो गया, आपको शांति चाहिए, ठीक है। अगर आप आराम से नहीं बोलोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे, या कुछ चीज़ें हैं कि आप भूल जाओगे, कोई लाइन से आप भूल जाते हो, स्टेज पे कहीं गए हो तो क्या है, काफ़ी बुरा होता है आपके लिए, ठीक है। तो हमें शांति स्वभाव से या हमें काम यानी शांत रहना चाहिए। क्लियर, बी क्लियर इन योर मैसेज, इसका मतलब है कि आपको अपने मैसेज में हमेशा क्लियर रहना है। इसका मतलब है कि आपको टू द पॉइंट बातें करनी है जो ऑडियंस को नीड है, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। कॉन्साइज, सो कॉन्साइज का मतलब होता है बी स्पेसिफिक, डू नॉट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। यानी कॉन्साइज का मतलब होता है जो भी काम या जो भी बातें आप करना चाहते हो दूसरे इंसान से या कोई सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए टू दी पॉइंट उनसे बात करना चाहिए। जिस भी विषय में या जिस भी सब्जेक्ट बारे में आप बात करना चाहते हो उनको टाइमली जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, आपको डिलीवर कर देनी होती है। अगर आप टाइम पे मैसेजेस या इन्फॉर्मेशंस को डिलीवर कर देते हो उनको तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये थी
सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना है। पहला है कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। दूसरी है कन्वर्सेशनल, इन्वॉल्व करना पड़ेगा ऑडियंस को अपने बातों में। तीसरी है कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा। चौथी है कॉम्पिटेंट, क्या आपको लिसनिंग पार्टी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। पांचवी जो है वो कॉम, मतलब आपको शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, यानी जो भी बातें आप कर रहे हो उसमें क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्साइज का मतलब है कि आपको वैल्यूएबल टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्टेज पर कोई स्पीच दे रहे हो तो आपको टू द पॉइंट बातें करनी है और आपको जो भी चीज़ें करनी है वो टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देनी है। अब बात करते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, मतलब कि बात करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, ठीक है। अब पहला जो रुकावटें आती हैं बात करने में वो होता है लिंगुअल फैक्टर। लिंगुअल फैक्टर का मतलब रहता है कि एक इंसान है, ठीक है, वो हिंदी जानता है और दूसरे जो इंसान है वो इंग्लिश जानता है, तो ये दोनों इंसान कभी भी आपस में बात नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फैक्टर। ये क्या है, ये एक कारण है कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन का रुकावट में। दूसरी है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप दो जन हो, ठीक है, कहीं पे किनारे खड़ा होकर बात कर रहे हो और आपके पास में क्या कर रहा है, कोई इंसान है, ठीक है, डीजे वगैरह बजा रहा है, ठीक है, और उसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होगा, आप दोनों बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी ये जो बैरियर्स है बेसिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकल है। अगर आप, ठीक है, अगर आप बाइक चलाते हो, ठीक है, आप कहीं पे गिर जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप पूरी तरह से डर जाते हो कि नहीं मैं बाइक को फास्ट बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, नहीं तो मैं फिर से गिर जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करते हो, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो सबक सीखते हो, ठीक है, कि अब मैं तेज बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, नहीं तो उस दिन के जैसे मेरा भी फिर से चोट लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई भी आदत, ठीक है, पिछले मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, तो वो होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, अगर स्पीच पर, यानी स्पीच दे रहे हो किसी स्टेज पर, या स्पीच दे रहे हो किसी स्टेज पर, आप बोलते बोलते क्या हो गए, वहाँ पर रुक जाते हो या कुछ लाइन भूल जाते हो, ठीक है। तो आप अगर आपको कहीं दूसरे दिन या एक दो महीने बाद किसी दूसरे जगह स्पीच देना हो तो आप थोड़ा बहुत जरूर डरोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें हमारी कम्युनिकेशन के लिए भी रुकावट लाती है। अब नेक्स्ट आते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है समटाइम्स आवर कल्चरल डिफरेंस हाइडर्स अस फ्रॉम कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, ठीक है। यानी कभी कभार जो हमारा कल्चरल बिहेवियर होता है, कल्चरल जो हमारा परंपरा होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से, ठीक है। अगर हम उनसे बात करना चाहें, किसी भी तरह का इशारा करें या विजुअल कम्युनिकेशन करें, ठीक है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें, तो वो क्या होगा, उनको बुरा भी लग सकता है, ठीक है। प्रीजुडिस का होता क्या होता है, यानी किसी भी इंसान को देखते ही जज कर लेना। यानी क्या होता है, आपके लाइफ में जरूर ऐसे कोई इंसान मिलेंगे जैसे आपको देखते ही आपको लगता होगा कि वो जो इंसान है काफ़ी रूड है, ठीक है, काफ़ी गुस्से वाला है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो शायद वो मुझे मार देगा या मुझे बुरा भला सुना देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रीजुडिस। हम लोग क्या करते हैं, अभी उससे बात नहीं करते हैं उस इंसान से, लेकिन क्या करते हैं, अपने दिमाग में उसके बारे में सोच लेते हैं पहले से, नहीं मैं बात नहीं करूंगा, हो सकता है गुस्सा हो जाए, हो सकता है कुछ दूसरे तरह से रिएक्ट करे। तो हम लोग प्रीजुडिस मतलब पहले से क्या करते हैं, पहले से जज कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशंस के लिए एक बहुत ही बड़ी रुकावट है। अब छठी जो बात आती होती है फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स क्या है बेसिकली, कि हम लोग हमारे अंदर क्या होता है, कभी कभार कुछ फीलिंग्स आती है, ठीक है, जैसे हम लोग गुस्से होते हैं, नाराज होते हैं, तो ये सर इस तरह की चीज़ें हमें क्या करती है, रोकती हैं कम्युनिकेशंस करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पर्सनल फैक्टर जो होती है वो हमारे अंदर होती है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है पर्सनल फैक्टर में। अब मेजर टू ओवरकम वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अब कौन कौन से ऐसे हम लोग हथकंडे अपनाएंगे कि ताकि हम लोग उस बैरियर कम्युनिकेशन को ओवरकम कर सकें, ठीक है, यानी हम लोग उससे अपने जीवन से निकाल सकें। तो पहला जो है ओवरकमिंग लिंगुअल फैक्टर, यानी अगर हम लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लिंगुअल फैक्टर को हमें हटाना है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे,
हम उस पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। यानी अगर उसको आवाज़ नहीं समझ में आती है तो हम लोग इशारों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लिंगुअल फैक्टर को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरकमिंग एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्ट्रक्शंस। अगर आप किसी एक दूसरे से इंसान से बात कर रहे हो और सामने या पास में कोई डीजे वगैरह बजा रहा है, ठीक है, साउंड तेज करके, तो बेसिकली उस पर क्या होगा, अगर हम उस पर ओवरकम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो वहाँ से दूसरी जगह चले जाएँ कम्युनिकेशन करने के लिए, या तो जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर बंद कर दें या बात करना हम लोग बंद कर दें, तो ये इस पर हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकमिंग बैरियर ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर कहीं चोट वगैरह लग गई या पहले पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग क्या हैं डरे हुए कि नहीं मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इस तरह को ओवरकम करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें इनकरेजमेंट का आवश्यकता है, ठीक है, कि हमें इनकरेज करना है, ठीक है, कि हाँ आप कर लोगे, आप बिल्कुल भी इस काम को कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस को बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकमिंग बैरियर इन कल्चर इन्फ्लुएंस। अगर कल्चर इन्फ्लुएंस को ओवरकम करना हो तो हम लोग किस तरह करेंगे, यू शुड डू प्रॉपर प्रिपरेशंस बाय नोइंग अबाउट अ कल्चर ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर आपको किसी कल्चर के बारे में नहीं पता है और उस इंसान से आपको बात करना है तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कल्चर के बारे में सीखोगे, तैयारी करोगे कि हाँ कि ये होता है चीज़, ठीक है, और तब जाकर उससे बात करोगे, तो इससे भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकमिंग प्रिजुडिस, मतलब किसी दूसरे इंसान को पहले देखते ही जज कर लेना, ठीक है। तो हमें पहले पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रिपरेशन मतलब हमें तैयारी करना पड़ेगा अपने आप को कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस इंसान से जरूर बात करूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी रिएक्शन हो। तो इस तरह से हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ फीलिंग्स एंड पर्सनल फैक्टर। अगर फीलिंग्स और पर्सनल फैक्टर ओवरकम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, सो द कम्युनिकेशन शुड बी पेशेंसली गिव टाइम द रिसीवर्स टू काम डाउन, ठीक है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या हम लोग ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं, मीन्स हम लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय काम डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर हम इस पर ओवरकम कर सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ना हमें कि वाई का इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हम लोग इस फिगर से समझेंगे, 75%, ठीक है, ऑफ आवर डे इज स्पेंड ऑन कम्युनिकेशन, यानी 75% जो हमारा दिन है वो बेसिकली कम्युनिकेशन करते हुए बीत जाता है, ठीक है, यानी बात करते हुए, यानी हम लोग एक दूसरे से बात करना पड़ता है, ठीक है, 75% एक दिन में। नियरली 57%, यानी हालांकि 57% जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वह पास नहीं हो पाते हैं पुअर कम्युनिकेशन के वजह से। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात ना कर पाने की वजह से, ठीक है। और 73% जो है बिजनेसमैन और लीडर्स मानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी है कुछ। अब नेक्स्ट आता है बेसिक राइटिंग स्किल, ठीक है, हम लोग इस सेशन 4 में राइटिंग स्किल के बारे में सीखेंगे, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे, फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देयर आर कंप्लीट दैट आर कंप्लीट मीनिंगफुल एंड टूगेदर मेक सेंस एंड कन्वेड स्पेसिफिक मीनिंग फैक्ट मैसेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कंप्लीट हो, मीनिंगफुल हो और कोई सेंस देता है या कोई सेंस है या कोई इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जैसे कि सीना वर्क्स इन एन ऑफिस, यानी इसका मतलब जो सीना है क्या करती है, काम करती है, कहाँ पर काम करती है, ऑफिस में काम करती है, ठीक है। ये क्या है, पूरी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, सीना के बारे में, ठीक है। तो क्या है, काफ़ी मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब यहाँ पर समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो सीना है, ठीक है, और जो वर्ब है वो वर्क है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की बात करें वो ऑफिस है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखो फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म ए कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन मीनिंग। यानी सेंटेंस के यही होता है जो मीनिंग में कंप्लीट हो और स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा हो, ठीक है। फ्रेज का क्या मतलब, तो अ फ्रेज ऑन द अदर हैंड इज द आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम सेंस,
यानी फ्रेज का मतलब ऐसा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें भी कुछ सेंस होता है, लेकिन वो कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑन द रूफ टॉप, यानी इसका मतलब क्या है, ऑन द रूफ टॉप मतलब कि छत के ऊपर या छत पर, ठीक है। तो कहाँ किसके छत पर या कहाँ है वो छत, ठीक है, एक बारे में क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये सिर्फ फ्रेजेस है, ठीक है। यहाँ पे भी डिफिनेशन है फ्रेजेस का, ये है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सम सेंस एंड आल्सो एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द स्पीच बट इज नॉट स्ट्रक्चरली कंप्लीट एंड डज नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। फ्रेज ऐसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरली कंप्लीट होता है लेकिन जो मीनिंग होती है फिल मीनिंग कन्वे नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ही सिटिंग ऑन द रूफ टॉप, ये क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन, माई डॉग यानी मेरा कुत्ता क्या है, लेइंग अंडर द टेबल। आप यहाँ देख रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कितने तरह के सेंटेंस होते हैं देखते हैं, पहला डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, चार तरह के होते हैं बेसिकली सेंटेंस। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, पीरियड यानी फुल स्टॉप के साथ क्या होता है, इंड होता है। एग्जाम्पल है माई मदर गिफ्टेड मी अ बुक, ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसको बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन करता है, ठीक है, जैसे व्हाट इज योर स्कूल नेम, इज ही योर क्लासमेट, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, यानी जिसमें जिस सेंटेंस में क्वेश्चन करेगा उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि टर्न ऑफ द लाइट, यानी कोई कह रहा है कि लाइट को बंद कर दो, ठीक है, प्लीज डू मी अ फेवर, यानी मेरे लिए कुछ क्या करना है, आपको कुछ काम करना है, ठीक है, यानी मेरी एक हेल्प करनी है, ये क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपरेटिव है, इंपरेटिव का मतलब जो कमांड देना है या रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को दिखाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट अ वेदर, हाउ क्यूट, ऐसे नहीं बोलते हैं, फीलिंग के साथ और इमोशंस के साथ, हाउ लवली दिस सॉन्ग इज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको छांटना, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर दिए गए सेंटेंस आपको छांटने हैं, ठीक है, कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा। ये जो वीडियो है बेसिकली, ठीक है, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, और इसके जो राइटर वो हैं सुमित अरोड़ा। तो सुमित अरोड़ा की जो ये बुक है आप आसानी से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, इससे नोट्स भी बना सकते हो। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर समय मिलता रहे। ओके, थैंक यू।